वेलकम गाइस, अभी हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको जम गया है, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट समझ गया है, तो सेम थीम पे सेम रिदम पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई काम करेगा। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले तो हमने देखा था प्राइस इलास्टिसिटी, देखा था बाद में इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब फैक्टर्स अलग अलग डिटरमिनेंट्स के हिसाब से डिमांड की क्या इलास्टिसिटी है वो हम देख रहे थे। तो उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, हर एक फैक्टर्स जो है डिमांड और सप्लाई के, हर फैक्टर्स की इलास्टिसिटी हम देख सकते हैं। बट एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही देखेंगे। तो कंसेप्ट रिमेंस द सेम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस इतनी बढ़ी, अगर प्राइस इतनी बढ़ती है तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, इतनी 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 या कुछ भी नहीं, है ना। तो उसी तरह है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस का सप्लाई पे क्या असर होगा। लॉ ऑफ डिमांड तो यही बोलता है कि सर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन कितने रेट से, कौन से प्रपोर्शन में वो हम देखेंगे। द रेट जिससे वो चेंज हो रहा है उस रेट को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, उस रेट को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, उसी तरह टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी देखेंगे। उसमें पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मतलब, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब रिजिड, दगड़। कितनी भी प्राइस कम ज़्यादा हो जाए, कितनी भी प्राइस वोलाटाइल हो, सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई चेंज नहीं होगा, सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट। परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस का सप्लाई पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग, उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो क्या इसका सप्लाई हम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग वर् ल्ड में एक ही थी, एक ही है ना। तो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, इसका सप्लाई कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये प्रेजेंट कैसा होगा, इट वुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस क्यों? वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, प्राइस। प्राइस इतना रहा तो भी सप्लाई इतना रहेगा, प्राइस इतना रहा तो भी सप्लाई इतना रहेगा। तो हर एक पॉइंट को हम जोड़ते गए तो पैरेलल लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई कैसा है, थोड़ा लेस इलास्टिक। प्राइस 10% से बढ़ी है तो सप्लाई 8% से बढ़ेगा, 7% से बढ़ेगा, मतलब लेस देन 10% से बढ़ेगा, है ना। इतना तो क्लियर है कि प्राइस बढ़ेंगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, लेकिन कितना, लेस देन जितना प्राइस बढ़ा है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेशन कैसा है, जीरो इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, देखो प्राइस कितनी बढ़ गई है, प्राइस यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गई है, इतनी सारी प्राइस बढ़ गई है, लेकिन डिमांड देखो कितनी बढ़ी है, यहाँ से बढ़ के यहाँ तक सिर्फ इतनी सी डिमांड बढ़ी है। प्राइस देखो कितनी बढ़ गई है, प्राइस, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, प्राइस देखो कितनी बढ़ गई है, प्राइस इतनी सारी बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई देखो कितना, सप्लाई सिर्फ इतना सा बढ़ा है। तो ये कैसा है, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गया है, लेकिन लेस देन वन, प्राइस ज़्यादा बढ़ी है, सप्लाई थोड़ा ही बढ़ा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी 10% से, लेकिन सप्लाई वुड राइज मोर देन 10%, प्राइस से ज़्यादा असर गिरेगा। देखो नेक्स्ट फिगर में प्राइस यहाँ से बढ़ के यहाँ आ रही है, इतनी सी प्राइस बढ़ी है, लेकिन सप्लाई देखो जीरो से यहाँ तक पहुँच गया। प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन सप्लाई उससे ज़्यादा बढ़ गया।
तो ये था रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। अब देखेंगे यूनिटरी सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, जितनी प्राइस बढ़ेगी उतना ही प्रपोर्शन में उतने ही रेट से सप्लाई बढ़ेगा, जिस रेट से प्राइस बढ़ेंगी उसी रेट से सप्लाई बढ़ेगा, इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये आपको थ्योरी पढ़ना है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, एकदम सिंपल है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब प्राइस में ज़रा सा चेंज आया तो सप्लाई उसका एकदम से बढ़ गया या एकदम से गिर गया। 1 रुपये 2 रुपये 1% 2% उसकी प्राइस बढ़ी तो उसका सप्लाई इन्फिनिटी से बढ़ गया, कितना, एकदम डबल ट्रिपल एन नंबर ऑफ टाइम से उसका सप्लाई बढ़ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सेम वही है जो हमने डिमांड में पढ़ा था। ओके, गो थ्रू करना है। अब देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिन पे सप्लाई की इलास्टिसिटी निर्भर करती है। प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। देखो प्राइस ऑफ द गुड्स, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी प्राइस से ही उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। अगर एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द गुड। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। देखो जाहिर सी बात है, प्राइस बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव ही तो ये है कि प्रॉफिट बढ़ाना है। अगर गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, उसका सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो हम उसका सप्लाई बढ़ा देंगे, है ना, सिंपल। प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस वुड चेंज इन फ्यूचर, सेम ये हमने डिमांड में भी देखा था। अब सप्लाई में कैसा होगा कि अब मान लो मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं सेल करता हूँ पेन, ठीक है। अब मुझे पता चलता है कि पेन की प्राइस 30% से बढ़ने वाली है, पेन की प्राइस 30% से बढ़ने वाली है, तो प्राइस बढ़ी है क्या अभी, नहीं, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी जो मेरे पास स्टॉक है उसे होल्ड करूँगा, उसे होर्डिंग करूँगा, उसे अभी बेचूँगा नहीं। क्यों, अभी बेचा तो सिर्फ 100 में बिकेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद जब प्राइस बढ़ जाएंगी तब बेचूंगा तो 130 में बिकेगा, तो बैठे बैठे मुझे 30 रुपीज़ का आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा, फ़ायदा होएगा, मुनाफा होगा। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाली है, बढ़ने वाली है या घटने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा सप्लाई भी कम या ज़्यादा होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली मेरा सप्लाई भी चेंज होगा। कंडीशंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है ना कि अगर कॉस्ट कम हो गई तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम हो गई तो भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर मान लेते हैं कॉस्ट कम होती है तो हम क्या करेंगे, उसका सप्लाई बढ़ा देंगे। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है या परचेस कॉस्ट कम होती है तो वैसे प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स, द सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड, एग्जांपल ऑन, देखो जो गुड्स के नेचर देखेंगे, जैसे पेरिशेबल है, FMCG है, ऐसे जो गुड्स है ना वो कैसे होते हैं, द मोर द पेरिशेबिलिटी और लंपीनेस ऑफ द गुड्स द मोर वुड बी इट्स मार्केट लोकलाइज्ड। जैसे कि मिल्क, मिल्क का शेल्फ लाइफ बहुत है क्या, शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिन मिल्क ताज़ा रह सकता है, 1 दिन या 2 दिन। तो अगर अमरावती में कुछ मिल्क मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो क्या हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या, फिजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाएगा कि वो पेरिशेबल है, ख़राब हो जाएगा, डिग्रेड होना लग जाएगा। तो ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल होते हैं उनका सप्लाई कैसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, जियोग्राफिकल एरिया पे, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टाइम, इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेज देन बाय हाउ मच वुड सप्लाई राइज और हाउ लार्ज विल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, एग्जाम्पल इन द क्वान्टिटीज ऑफ फैक्टर्स इनपुट्स यूज टू कम्प्लीट।
दैट इज़ वाई द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द लॉन्ग पीरियड मार्केट वुड बी लार्जर दैन इन द शॉर्ट पीरियड मार्केट। देखो अभी क्या है, कोविड का सिचुएशन है ना, तो हमने देखा कोविड का सिचुएशन है तो मार्क्स का डिमांड बढ़ गया है, मार्क्स का डिमांड बढ़ गया है। अब अगर ऐसा होता था कि मार्क्स का डिमांड सिर्फ 2 मंथ्स के लिए बढ़ता था तो कोई मार्क्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करता था क्या? कोई बिजनेसमैन मार्क्स का ट्रेडिंग करता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जैसे कि स्वाइन फ्लू के टाइम पे स्वाइन फ्लू कंट्रोलेबल था, वैक्सीन अवेलेबल थी उसकी, तो मार्क्स का प्रोडक्ट, मार्क्स का यूजेस तो तब भी हुआ लेकिन इतना बल्क, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हुआ क्या, इतना ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ क्या उसका? नहीं। क्यों? क्योंकि पता था कि ये स्वाइन फ्लू कुछ समय में चला जाएगा। बट अभी का जो सिचुएशन है कोरोना का, इसका तो अभी वैक्सीन ही तैयार नहीं हो रहा है, तो लोगों में अनसर्टेनिटी है कि ये कितने दिन चलेगा, है ना। तो मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। तो लोगों ने क्या किया, अपना बिजनेस अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लिया। पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग, पीपल हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग मास्क, सैनिटाइजर एंड ऑल दैट। तो ये कैसे था, लेंथ ऑफ टाइम पे डिपेंडेंट था। जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो लंबे समय तक की है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ का प्रोडक्शन सप्लाई या उसका उस चीज़ का सप्लाई बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक, डिमांड सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। एकदम सिंपल है, ये सैम्पल क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जल्दी चैप्टर नंबर 2।